ये वीडियो टिक्के सेवन भोजपुरी वाले के लिए मैं बना रहा हूँ। बता दूँ टिक्के सेवन भोजपुरी जो चैनल चलाते हैं उनको कि भाई आप जो ये गद्दार वद्दार बोल रहे हो विवेक सिंह को, तो कहीं ना कहीं आप इन लोग के मामले में फंस जाओगे, तो कृपया ऐसा ना बोले, क्योंकि पवन और खेसारी दोनों जो हैं एक ही हैं। आप अपने खेसारी भैया के लिए बहुत लड़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, फैंस हो लड़ रहे हो, लेकिन अगर कुछ होगा तो क्या आपको खेसारी भैया बचाने आएंगे? क्या नहीं आएंगे? आपने ही खुद देखा है, चाहे कवर भी किया है, महेश पांडे के साथ क्या हुआ, और महेश पांडे ने आके बता भी दिया है अपने वीडियो में कि उनके साथ कौन कौन व्यक्ति खड़ा रहा उनके दुख के घड़ी में और कौन नहीं खड़ा रहा। इतना बड़ा स्टार उनका साथ छोड़ दिया, कहीं ना कहीं एक शर्मसार वाली बात है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अब बंद कर दीजिए किसी की तारीफ करना या किसी का बुराई करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इन लोग के बीच में लपेटे में आ जाओगे। एक यूट्यूबर का कितना कमाई हो सकता है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक। लेकिन वो जो अगला व्यक्ति है करोड़ों में खेल रहा है, ठीक है, वो करोड़ों में खेल रहा है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी मामले में फंसवा सकता है आपको, कहीं भी मौका मिलेगा तो रगड़ देगा। इसीलिए आप ऐसा बात मत कीजिए जो कि किसी को बुरा लगे। और रहा तारीफदारी करने का, तो दोनों का कीजिए, ठीक है, और गद्दार वाला सब तो बहुत बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं विवेक सिंह हैं आप पे बहुत गुस्सा है, तो उनसे एक बार सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, इस मामले को रफा दफा कर लिया जाए यहीं पे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई किसी का नहीं, ना आपका खेसारी साथ देंगे ना आपका पवन सिंह साथ देंगे, बस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। आज के बाद ऐसा वीडियो मत बनाना जिससे किसी को तकलीफ़ हो। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग देख रहे थे नई बस्ती ब्लॉग, मैं आप सबका भाई अर्जुन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो मेरा काम है कि भाई को एक सलाह रास्ता देना, बताना। अगर भाई मेरा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उनको एक सलाह मशवरा देना।